प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। फिर उसने ये समय दिया उसने कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकें। आज हम देखेंगे प्रेरितों का उसका आखिरी अध्याय यानी 28 अध्याय और उसके 7 पद से आगे हम देखेंगे, 7 से लेकर के उसके 16 पद तक हम ध्यान देंगे। प्रेरितों का उसका 28 अध्याय उसके 7 पद से। टुडे विल मेडिटेट अपॉन the last chapter of Acts of the Apostles, chapter 28, verse from 7 to 16. पर इसके पहले कि आज का दिन करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये सुंदर अवसर आपने दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके पवित्र वचन को पढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप आज के इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें प्रभु जी, हमारे मनों को इसके लिए तैयार करें, हमारे जीवनों को अपने हाथों में ले और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हम संत पौलुस के जीवन के आखिरी भागों को देख रहे हैं, खास करके जहाँ तक प्रेरितों काम का प्रश्न है। और इस अध्याय के अंदर ये बताया जाएगा आखिर में कि संत पौलुस रोम में, उनको अलग से रखा गया और वो अपने किराए के मकान में रहते थे और लोग उससे मिलते थे और उनसे वो सुसमाचार का प्रचार करता था। लेकिन आज हम उस कड़ी में कुछ बातों को देखेंगे जो पाया जाता है 28 अध्याय उसके 7 पद से और उससे आगे। पहली बात यहाँ पर है, उस जगह यानी उस स्थान पर जो वो द्वीप था माल्टा, जहाँ वो पहुँचे, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुब्लियस की भूमि थी और उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुँचाई की। अब इसका कारण आपको पता है कि जब कल हमने देखा था कि संत पौलुस जब वो किनारे पर उतरे, जहाज जो टूट चुका था उसे निकल कर आने लगे और बारिश के वजह से ठंड हो गई थी, मौसम ठंडा हो गया था, बहुत ठंडा हो गया था, तो आग जलाकर वो तापने लगे और उस लकड़ी के अंदर जिसको पौलुस बटोर रहा था एक सांप निकला, जो जहरीला सांप था, जो पौलुस के हाथ में लिपट गया, शायद उसने काटा भी होगा, लेकिन पौलुस को प्रभु ने बचाया। और वहाँ लिखा था कि लोगों ने ये सोचा कि ये हत्यारा है जो बच निकला है, क्योंकि कैदी है ये, इसलिए न्याय ने उसको जीवित नहीं रहने दिया और आप मर जाएगा गिर करके। और लोगों ने कहा कि हत्यारा है, इन्होंने आपस में बातचीत करी वो वहाँ के जो लोग थे माल्टा द्वीप के। लेकिन कुछ समय के बाद, करीब आधा एक घंटा के बाद, जब पौलुस खड़े होकर बात करते रहे और उससे सांप के जहर का उसके शरीर में कोई असर नहीं हुआ, तो यहाँ लिखा है कि लोगों ने कहा ये तो कोई देवता है, ये देवता है, और इसके वजह से अब उनकी अभावगत वहाँ और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर आगे आप देखें तो यहाँ लिखा है कि इन लोगों ने उनके प्रति, अगर 28 अध्याय की शुरू में देखें तो रीड दी चैप्टर 28 वर्स 1, द्वीप, ये द्वीप जहाँ पर हम बच निकले थे ये माल्टा द्वीप कहलाता है, वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगा कर हम सबको ठहराया। वहाँ लिखा है कि इन्होंने इनका अतिथि सत्कार करा, हालांकि अधिकतर वहाँ पर कैदी थे, हालांकि सब की संख्या जो उस जहाज में थे, जैसे यहाँ लिखा हमने पढ़ा कल देखा, 276 जन थे, उन सबको जब वो निकल पड़े और जहाज से आए, उनके बंधन काट दिए गए और ठंड के वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने, जो माल्टा द्वीप के लोग थे, इन्होंने बड़े आदर के साथ इनका सत्कार करा और आग जला करके लिखा है कि उन्होंने उनका सत्कार करा, लिखा है वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा करी। द नेटिव पीपल ऑफ माल्टा आइलैंड शोड अस अनयूजुअल काइंडनेस फॉर दे किंडल अ फायर एंड वेलकम अस ऑल बिकॉज इट हैड बिगन टू रेन एंड वॉज कोल्ड, बहुत बारिश हो रही थी, तकलीफ थी, ठंड बढ़ गया था और ये सब ठंड के मारे परेशान थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने वो आए और उन्होंने उनकी मदद करी। और ये एक बहुत बड़ी बात है
अनजाने लोगों की मदद सहायता करना। हम लोग जो मसीह हैं हम भी ऐसा करते हैं। हमारे देश के अंदर ये एक वाक्य पाया जाता है, वो है वासुदेव कुटुंबकम। दुनिया के चाहे कहीं के भी लोग क्यों नहीं, अगर आपके घर में आते तो आप उनकी सेवा करते, उनकी देखभाल करते। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ प्री अपॉइंटमेंट लेने की बात नहीं है। पश्चिम में ऐसा है कि आप कहीं जाते हैं, आपको फ़ोन करना पड़ेगा, उनको सूचना देनी पड़ेगी किसी के द्वारा, तब आप जाइए, तब वो तैयार रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। भारत देश में चाहे कभी भी कोई व्यक्ति आता है, कभी कभी उसके वजह से लोगों को तकलीफ होती है, परेशानी, नुकसान हो जाता है, लेकिन ये हमारी परिपाटी बहुत अच्छी बात है। और ठीक इसी बात को हम यहाँ पाते हैं, क्योंकि ये जो द्वीप था माल्टा, एशिया के करीब था, ज़्यादा यूरोप के और एशिया के बीच में आता है माल्टा द्वीप। आज भी आप उसको नक्शे में देख सकते हैं। तो यहाँ के लोगों ने उनकी मदद करी, और यहाँ लिखा है कि उन्होंने उन पर कृपा, अनोखी कृपा करी, और उनको उन्होंने स्वीकार किया। और तब जब उस लकड़ी में जहाँ वो आग जला रहे थे, थोड़ी लकड़ी पड़ी होगी, गीली थी, तो पौलुस ने लकड़ी को उठा करके जैसे रखना चाहा, उसके हाथ में एक सांप लिपट गया, हमने देखा, और वो जहरीला सांप था, वाइपर लिखा है, लेकिन प्रभु ने उसको बचाया। और पहले तो लोगों ने सोचा कि ये एक हत्यारा है, क्योंकि ये कैदी है, लेकिन अब जब पौलुस को कुछ नहीं हुआ तो उनकी जो उनका जो विचार था पौलुस के लिए बदल गया। और पौलुस, इन्होंने कहा कि ये तो कोई देवता है जो हमारे बीच में आया है, और इसलिए हमें इसकी और सेवा करनी, इसका आदर करना। और तब हम पढ़ते हैं, वी रीड हेयर, उस जगह के आसपास टापू के प्रधान पुब्लियस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन तक मित्र भाव से पहुँचा कि 3 दिन तक उन लोगों ने सबकी 276 याद रखी, ये कम संख्या नहीं होती। उन सबकी उन्होंने, जो इस गांव का जो प्रधान था, मुखिया था, उसका नाम तो पुब्लियस, उसने उस उन लोगों की सेवा करी। दूसरी बात यहाँ पर ये है मित्रों, कि जब हम सेवा करते हैं तो हम कभी कभी अपने गिरेबान से ज़्यादा भी पैसा निकालते हैं या धन निकालते हैं, ताकि किसी को कमी ना हो खाने पीने। अरे लगे 3 दिन तक उन्होंने मदद करी, उन पर वो अनुग्रह उंडेला, दयालु रहे 3 दिन तक। क्यों? एक वजह थी, और वह है संत पौलुस। संत पौलुस के सामने एक बहुत बड़ी बात आने वाली थी कि ये वहाँ सेवकाएँ करने वाले थे, और मैं सोचता हूँ पहली बार इस माल्टा द्वीप में प्रभु के प्रचारक पहुँचे पौलुस के रूप में, और वहाँ बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास उन्होंने करा होगा। या लिखा तो नहीं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि आश्चर्यकर्म के बाद, चिन्ह और चमत्कार के बाद लोग विश्वास करते हैं। अब पौलुस ने जब वो रहे यहाँ पर काफ़ी दिन तक रहे, करीब 3 महीने तक यहाँ रहे वो। 3 महीना बहुत समय होता समय, फिर बारिश रुक गई, लोगों से मुलाकात हुई, और उस द्वीप के तमाम जगहों पर जा करके पौलुस ने प्रचार करा होगा। तो यह लिखा है कि उस द्वीप में, यानी माल्टा द्वीप में, जो पुब्लियस था, उसने, वो जो प्रधान था, लोगों की उसने मदद करी, सहायता करी, और उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन तक मित्र भाव से पहुँचा कर। अब यह देखें दूसरी बात क्या है, पुब्लियस का पिता ज्वर और आँव रोग से पीड़ित था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब पौलुस को वहाँ ले जाया गया, पौलुस ने पूछा होगा उसके घर के बारे में, आपके कौन कौन हैं, उन्होंने कहा मेरे पिताजी बीमार है। अतः पौलुस को और लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ वहाँ ले जाया गया, और ये जो बंदी था ये प्रभु का विश्वासी था, और इसलिए इसको अभी प्रभु इसके साथ था और उसको रोम ले जा रहा था। और पलटन का सूबेदार भी इस बात को जानता था कि ये व्यक्ति अलग है, हालांकि ये कैदी है, इस पर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, केवल ये धार्मिक बातों का, आस्था की बातों का। इसलिए जब पौलुस ने पूछा होगा पुब्लियस को, तो पुब्लियस ने बताया होगा कि महाशय आप मेरे घर भी आइए, अगर आप प्रार्थना करें कुछ हो सकता है। तब यह लिखा है कि पुब्लियस का पिता जो ज्वर और आँव रोग से पीड़ित था, वो पौलुस को अपने घर ले गए, और पौलुस ने जब उसके लिए प्रार्थना करी और उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करी, तो पुब्लियस के पिता जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो ठीक हो गए। हेयर वीड ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस एंड विच इज फाउंड हेयर,
in verse 8, it happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery, and Paul visited him and prayed, and putting his hands on him, healed him. Thus a miracle happened in the life, in the family of this headman of this village, of this area, of this entire Malta island. And God heard the prayer of St. Paul, and he healed Publius' father, who was suffering from dysentery and fever. There was an opening for them by this healing. जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए. When it happened and when this had taken place, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. इसी काम के लिए तो प्रभु ने इसको भेजा था. और केवल यही नहीं, लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा था जब पौलुस ने मिशनरी यात्राएं करी तो कुछ लोगों ने उनके शरीर पर कपड़ा छुआ करके बीमारों पर रखा, वो ठीक हो गए. इतनी सामर्थ्य पौलुस के जीवन में पाया गया. ये प्रभु का व्यक्ति था, प्रभु का भक्त था. अब मित्रों, यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब प्रभु के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होता है, हमारे साथ प्रभु की संगति में कोई रोड़ा नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होता है, तो प्रभु हमारे जीवन को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करता है. यहाँ उसने पौलुस के जीवन को करा. मित्रों, हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करने की आवश्यकता है. हम जो प्रभु के सेवक हैं, हम जो प्रभु के द्वारा ठहराए गए पासबान हैं, हमारा यही कार्य है, हमारा यही कार्य है. हम जब भी मौका मिलता है प्रार्थना करते बीमारों के लिए, और कई बीमार ठीक हुए हैं, कई बीमार अपने तकलीफ से उन्होंने छुटकारा पाया है प्रार्थनाओं के कारण. और मैं ये बात हम में से बहुत से प्रचारकों के लिए, पासबानों के लिए कह सकता हूँ. हम लोग इसीलिए विश्वास से फोन करते हैं, भाई साहब आप दुआ कर दीजिए, और आप यकीन मानिए जब दुआ करते हैं प्रभु सुनता है. कई बार तो तुरंत चंगाई मिली है, कई बार एक दो दिन के अंदर चंगाई मिली है, लोगों की गवाही है. और ठीक यही बात हम देखते हैं आप पौलुस के जीवन में, कि जब उसने पुबलियुस के पिता के लिए प्रार्थना करी, जिनको आँव की बीमारी थी, डिसेंट्री थी, प्रभु ने उनको ठीक कर दिया और पूरी तरह से वो ज्वार से और उस बीमारी से ठीक हो गए. और उसके वजह से क्या हुआ कि उस पूरे द्वीप में, माल्टा द्वीप में, प्रभु का द्वार खुल गया, प्रभु के लिए द्वार खुल गया, क्योंकि अब चंगाई प्राप्त कर रहे थे. और हम जानते कि हमारे देश के अंदर भी आज बहुत से लोग विश्वास इसलिए कर रहे हैं यीशु मसीह पर, क्योंकि उनकी बीमारियाँ, उससे उनको चंगाई मिलती है. दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आते हैं, वो शुद्ध किए जाते हैं, प्रभु अपना कार्य कर रहा. बहुत से लोग इन पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई ये सब तो कोई जरूरी नहीं है. लेकिन नहीं, ये जरूरी है. चिन्ह और चमत्कार प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए एक आवश्यक आधार है, या एक माध्यम है. गांव देहातों में इन बातों को हम देखते हैं. मैंने अपने आंखों से देखा है हमारे उन गाँव में जो दक्षिण राजस्थान के हैं, हिमाचल के हैं, लोगों को चंगाई पाते हुए और विश्वास करते हुए. और आज ये भी, आज यही कार्य हो रहा है, आज भी कार्य हो रहा है. ये नहीं कि 2000 पहले था, आज भी हो रहा है. और मैं इस बात को मानता हूँ कि चंगा के देने वाला परमेश्वर, उसका नाम है यहोवा रफा. रफा का मतलब होता है चंगाई का देने वाला. जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम का वास्ता देते हैं, तो बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना, गहरी और तकलीफ देने वाली क्यों नहीं हो, उससे वो व्यक्ति चंगाई प्राप्त करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो. और यहाँ पर लिखा है कि जब पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना करी तो पौलुस अलग अलग स्थानों में, यहाँ लिखा जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए, वो भी आए. बात फैल गई कि भाई यहाँ पर प्रभु के एक व्यक्ति आया जिसका नाम पौलुस है और जिसके प्रार्थना करने से लोग चंगाई प्राप्त करते हैं. और यहाँ पर भी ऐसा हुआ, और इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है उन्होंने बहुत, जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए. और फिर लिखा है उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, पुबलिस के घराने ने उनका बहुत आदर करा, लोगों ने भी करा उनका आदर. और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया. इन सब लोगों के लिए 276 कम नहीं संख्या, लेकिन अब उन्होंने अपना धन इकट्ठा करा होगा, खाने की वस्तुओं को इकट्ठा करा होगा. अभी ये दूसरे जहाज से जाएंगे, रोम को जा रहे हैं ये, तो उन्होंने उनके लिए जो भी आवश्यक वस्तुओं की थी उनको जहाज में रख दिया.
परमेश्वर प्रबंध करता है, वो द्वार खोलता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है अपने सेवा के लिए, महिमा के लिए, और जब उनकी जरूरत उनको दे भी देता है। बाइबल में संत पौलुस ने अपनी पत्री में कहा, फिलिपियों की पत्री के 4:19 फिलिपियों के कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक घटी के मुख को पूरा करेगा। हमारी आवश्यकताएं सेकेंडरी या थर्ड जगह पर आती है, पहले आता है उसकी इच्छा, उसकी इच्छा। जब हम उसकी सेवा करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, विरोध तो बहुत होता है। विरोध वो करते हैं जो सोचते हैं कि इनके आने से, इनके सेवकाय करने से हमारी पूछ पाछ कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो आपका स्थान है वो रहेगा, जो आपका स्थान वो रहेगा, जो आपको काम करना हो करना, आपको करते रहने की आवश्यकता। लेकिन एक नियम के अनुसार, एक प्रथा के अनुसार, सिस्टमेटिक रूप से जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास दासी हैं, वो आपको उसमें और मजबूत करते हैं, आपकी सहायता करते हैं कि और अच्छे से कार्य करें। बहुत से कार्य हैं, बहुत से क्षेत्र जहाँ आप कार्य कर सकते हैं, गरीबों के देखभाल के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, महिलाओं की देखभाल के लिए, जो अनाथों की देखभाल के लिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सब कलीसिया के द्वारा होते हैं, चर्च के द्वारा होते हैं। इसलिए हम इस बात से निराश ना हो जाए कि जो 2-3 कार्य हमारे पास थे उनको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, वो कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं है। जो ऑर्डेन मिनिस्टर हैं उनके कार्य जिम्मेदारी अलग हैं, वो उस काम को उनको करने दीजिए, और जो आपकी जिम्मेदारी उसको करिए आप। इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है, या इसमें कोई किसी प्रकार से विरोध नहीं है। और यहाँ पर पौलुस को प्रभु ने भेजा था, वो एक बंदी के रूप में ही सही, लेकिन यहाँ पहुँचे माल्टा द्वीप में, और पहले तो उस द्वीप के प्रधान के पिता को चंगाई मिली, और तब द्वीप के और भी लोग बीमार जो थे उन्होंने चंगाई प्राप्त करी। करीब 90 दिन तक और रहें, लेकिन 90 दिन तक रहे वहाँ पर, उन्होंने रिक्वेस्ट करा हुआ। अब मैं सोचता हूँ कि उनके इस रहने के दौरान वहाँ के बहुत से लोग विश्वास कर और एक कलीसिया बन गई, कई कलीसियाँ बन गई। प्रभु ने अपना कार्य करा, प्रभु द्वार खोलता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और अपने कलीसिया की स्थापना करता है। द लॉर्ड ओपन्स द डोर, यूजेस हिज पीपल फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ हिज किंगडम एंड देन ही एस्टैब्लिश हिज चर्च, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इवन टुडे आल्सो। आज मिशन फील्ड के अंदर प्रभु अपने लोगों को भेजता है ताकि उनके द्वारा, उनके प्रार्थनाओं से आश्चर्य कर्म हो। और जब आश्चर्य कर्म होता है और उस सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो लोग आते विश्वास करते हैं। अजय लोग विश्वास करते हैं, कलीसिया की स्थापना होती है और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है। आज भी हो रहा और हम इस कार्य लगे हैं, इस कार्य में लगे हुए, इस एपिसल मेथडिस्ट कलीसिया के द्वारा हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के द्वारा उपयोग किए जाए अलग अलग क्षेत्र। इसके बजाय कि हम एक दूसरे के लिए सोचते सोचते अपना समय निकाल दें, हम प्रभु के काम को करें अलग अलग स्थानों में जहाँ प्रभु ने हमें दिया, और फिर प्रभु के नाम से प्रार्थना करें, बीमारी चंगाई प्राप्त करेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे। आज ये होना चाहिए, हो रहा है बहुत सी जगह पर। तब उसके द्वारा प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होती है, उसकी कलीसिया स्थापित होती है। मित्रों, ये कार्य प्रभु ने आपको मुझे दिया है, हमें करने की आवश्यकता। अभी हम पढ़ते हैं, इस आगे पढ़ते हैं इसके तीसरी बात को पढ़ते हैं, जो लिखा है 11वें पद। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुस्कुरी था। आफ्टर 3 months वी सेट सेल इन अ शिप दैट हैड विंटर्ड इन द आइलैंड ऑफ माल्टा, अ शिप ऑफ अलेक्जेंड्रिया विद द ट्विन गॉड्स एस ए फिगर हेड। यह लिखा है कि इसका नाम था दियुस्कुरी और उस जहाज का चिन्ह था, क्योंकि इनका जो जहाज जिसमें आए थे आप माल्टा तक, वो टूट चुका था और अब उस वो जहाज वहीं पर धस गया। अब दूसरी जहाज में वो जाते हैं रोम की तरफ 3 महीने के बाद। लेकिन जो 3 महीने का समय इनका है पड़ता, बहुत ही अच्छा समय रहा, इन्होंने उस समय का उपयोग करा पौलुस ने खास करके और उसके साथियों ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि पौलुस जेल, पौलुस जिसको अरेस्ट करा गया था,
यरूशलेम में, उसको कैसे लाया गया और वहाँ 2 साल रहे और फिर वहाँ से निकले और अब यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ 3 महीने रहे। तो जहाँ भी पौलुस गए, पौलुस ने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया, चाहे तकलीफ में हो, चाहे दुख में हो, चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसने प्रचार का कार्य करा। और अब माल्टा में कलीसिया की स्थापना होगी, मैं सोचता हूँ कई कलीसियाओं की स्थापना होगी, कई कलीसियाओं की स्थापना होगी, कई लोगों ने विश्वास करा। और अब इन्होंने जहाज को परिवर्तित करा, क्योंकि अब ये नई जहाज में जा रहे हैं। और यहाँ लिखा कि 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुस्कुरी था। 12 पद में लिखा है, सरकुसा में लंगर डालकर हम 3 दिन वहाँ टिके रहे। अब माल्टा से वो सरकुसा गए और वहाँ 3 दिन तक वो रहे। वहाँ से हम घूमकर रेग्यूस में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली, तब हम दूसरे दिन पुतियुलियु में आए। अब ये रोम की तरफ आगे जा रहे हैं। और फिर लिखा है 14 पद में लिखा है, 4वीं बात, वहाँ हमको भाई मिले। कहाँ मिले? पुतियुलियु में मिले। एक बहुत ही ये रोमन्स नाम है तो थोड़ा हमारे लिए प्रोनाउंस करने का या उच्चारण करने की तकलीफ है, लेकिन जहाँ जब वो पहुँचे ये लोग, लिखा हम दूसरे दिन पुतियुलियु में आए और वहाँ हमें भाई मिले। भाई का मतलब प्रभु यीशु मसीह विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के लोग जो उनको मिले, जिन्होंने उनकी मदद करी। यहाँ लिखा है कि उनको मिले वहाँ पर और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे। फिर से एक बार 7 दिन का यहाँ उनका हॉल्ट होता है। कहाँ पर? पुतियुलियु में। और इसी रीति से हम रोम को चले, रोम के करीब ये पहुँचे थे, पुतियुलियु में 7 दिन तक रहे और निश्चित रूप से प्रचार का काम करा होगा। वहाँ वो कोई घूमने फिरने के नहीं, कार्य करा, प्रचार करा, वासबान ये प्रचारक ये मिशनरी अगर कहीं जाते हैं, अगर उनका व्यक्तिगत ट्रिप हो तो अलग है, लेकिन अगर वो दल के साथ जाते हैं, चर्च के लोगों के साथ जाते हैं, तो घूमने घामने के लिए नहीं जाते, वो प्रचार करने के लिए, ये प्रचार के लिए या उनके लिए कोई सेशन अरेंज किए जाते हैं। और यहाँ पर इसीलिए वो गए, प्रभु ने उनको लाया और 7 दिन तक रहे पुतियुलियु में और वहाँ उन्होंने प्रचार करा प्रभु के वचन का। मित्रों, यही पौलुस के जीवन का लक्ष्य था कि जहाँ भी जाए सुसमाचार का प्रचार करें। और आज हम भी जो प्रभु के लोग हैं, हम इस बात को याद रखते हैं कि जहाँ भी जाए, यात्रा के दौरान भी जब मौका मिले तो सहज जो यात्री हैं उनको सुसमाचार बांटते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, ताकि वो भी प्रभु को जाने और प्रभु के मार्ग के अनुयायी हो जाए। वहाँ से भाई हमारा समाचार पाकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स दिया। अब ये रोम को पहुँच रहे थे, रोम के तरफ पहुँच रहे थे। और यहाँ लिखा है कि जब लोग आए, क्योंकि ये इन्होंने पौलुस को जाना था, ये कहीं और कहीं कहीं रहते थे लेकिन अब ये रोम के आसपास रहते थे। जगह का नाम लिखा है अप्पियुस के चौक और 3 सराय, एक जगह ही है रोम के आसपास। और तब भाई लोग उनसे मिलने को आए और उनमें से व्यक्ति था जो मुख्य था, वो था पौलुस, जो बंधुआ जरूर था लेकिन उनके द्वारा जो कार्य हो रहे थे, उनके द्वारा जो सेवकाई हो रही थी, वो बहुत ही मनभावनी और अनोखी सेवा थी। कई लोगों ने विश्वास करा, कई लोगों ने चंगाई प्राप्त करी, प्रभु ने मानो उस पूरे जहाज को एक मिशनरी जहाज बना दिया, मिश्री जहाज बना दिया, क्योंकि उस जहाज के लोगों ने विश्वास करा होगा और अलग अलग लोगों ने विश्वास करा होगा, माल्टा में करा। और यहाँ पर हमने देखा कि पुतियुलियु में वो 7 दिन तक रहे और फिर अब यहाँ पर आकर के अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक जब पहुँच गए तो लोग उनसे मिलने को आए। अब पौलुस ने उन्हें देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और उनको ढाढ़स दिया। इन्होंने सुना होगा कि पौलुस को सजा होने वाली है और भयंकर सजा होने वाली है, लेकिन पौलुस ने कहा कि डरो मत, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम ढाढ़स बांधो, प्रभु के वचन में विश्वास, प्रभु के वचन में मजबूत हो जाओ, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहो और मैं इसी के लिए उसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ।
जो उसने अपने आत्मिक बेटे तिमोथियुस को कहा, तीतुस को कहा, अब इनको भी उसने कहा होगा कि तुम मेरी बीड़ियों के लिए, मेरे इन जंजीरों के लिए परेशान मत हो। ये प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के कारण है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज मेरी स्थिति नहीं होती। मित्रों, ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो कठिनाइयां सहते हैं, लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन उसका जवाब इसलिए नहीं देते कि हम प्रभु की सेवा में, प्रभु ने हम बुलाहट दी है। प्रभु ने एक बात कही जिसको याद रखते हैं हम, कि अगर उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो तुम तो सूखी डालियां हो। इसलिए ये हमारे तसल्ली का वायस है कि जब हम प्रभु के नाम से दुख उठाते हैं। प्रभु ने फिर से कहा, मत्ती उसके 5:10-12 में कहता है, आनंदित मगन होना जबकि लोग तुम्हें मेरे कारण सताए, झूठ बोल बोल कर बहुत से झूठी बातों का आरोप लगाते जो है नहीं, बोले जाते। वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के प्रचारक हैं ये, लेकिन झूठे आरोप लगाते हैं, जो क्योंकि किसने किसको रोका नहीं, बोलते रहते। यीशु मसीह ने खुद कह दिया 2000 साल पहले, तब झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बातें कहें, पर तुम आनंदित मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि तुमसे पहले उन नबियों को जो तुमसे पहले थे वो इसी प्रकार से सताए गए थे। मित्रों, इस बात को याद रखिएगा, झूठ बोल बोल कर प्रभु के दासों को हम बदनाम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बातें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसका लेखा प्रभु आपको देगा। तो पौलुस ने इनको ढाढ़स बंधाया कि अगर तुम्हारे मन के अंदर कोई दुविधा है कि मेरा क्या होगा, तुम चिंता मत करो, मेरा वही होगा जो प्रभु ने चाहा। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला था यरूशलेम में और कैसरिया में कि दुख और तकलीफ तुझे सहनी होगी। फिलिपुस के घर के अंदर उसने बोला था, वहाँ पर एक अगबूस नाम एक चेला आया था, एक नबी आया था, उसने मेरे पटको के लेकर उसने अपने आप को बांधा। उसने कहा कि जिस व्यक्ति का ये पटुका है जब वो यरूशलेम जाएगा तो बांधा जाएगा। तो मुझे सब बता दिया गया प्रभु के द्वारा, सब बता दिया गया। इसलिए मेरे भाइयों, तुम परेशान मत हो। और यहाँ लिखा है कि उन्होंने इस सब कुछ कहने के कारण उनको ढाढ़स बनाया। यहाँ अंग्रेजी में लिखा है 15 When they heard about us, came as far as the forum of Appius and 3 taverns to meet us. On seeing them, Paul thanked God and took courage. पौलुस ने अपने आप को धीरज दिया और उनको धीरज बनाया कि मेरे दुखों के लिए तुम परेशान मत हो मित्रों, मैं तो प्रभु के लिए अपने आप को उन्हें दे दिया। इसलिए इन सब का परिणाम भला होगा। और अगर मुझे प्रभु के नाम के कारण रोम में मुझे मौत की सजा दे भी जाए तो मैं तैयार हूँ। और ये सच्चाई आज भी है मित्रों, जो प्रभु के सेवक सेविका हैं वो प्रभु के लिए उन्होंने दे दिया अपने आप, और वो जानते हैं कि जो भी परिणाम होगा जीवन का उनका, ये सेवा नहीं जो आज पाए जाते हैं जिसमें, लेकिन जीवन का जो परिणाम होगा अगर उसको मृत्यु भी है तो उसको वो स्वीकार करेंगे आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ, क्योंकि जानते हैं कि हमें उससे डरना है जो हमारे शरीर और प्राण दोनों को दंड दे सकता है। हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं जो कल शरीर को दंड देते हैं या शरीर को घात करते हैं, उससे डरो जो शरीर को और प्राण को दोनों को घात कर सकता है, नरक में डाल सकता है, वह परमेश्वर। इसलिए पौलुस ने उनको समझाया, मैं सोचता हूँ कि लोगों ने समझ लिया। और आगे लिखा है 5:16, जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिली। एंड व्हेन वी केम इनटू रोम, पॉल वाज अलाउड टू स्टे बाय हिमसेल्फ विद द सोल्जर दैट गार्डन हिम। अभी रोम पहुँच गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो गई कि पौलुस तुझे रोम में कैसा के सामने गवाही देनी, अब वो रोम पहुंच गए। ये तमाम यात्रा के बाद जो एक लंबी यात्रा थी, बहुत लंबी यात्रा थी, अब रोम पहुंच गए। और यहाँ लिखा है पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिली, लेकिन छूट भी मिली उसको, हम कल इसको बारे में देखेंगे। धन्य वो व्यक्ति जिसका नाम संत पौलुस था, जिसने प्रभु के लिए अपने आप को दे दिया था और प्रभु उसके साथ था। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर,
हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु संत पौलुस के जीवन के लिए प्रभु जी, जिसको आपने इस्तेमाल करा प्रभु आपके राज्य के विस्तार के लिए और खासकर माल्टा द्वीप के अंदर कलीसिया की स्थापना करने के लिए, और जगह प्रभु जहाँ ये गए, जहाँ लोगों ने उनको रखा प्रभु, लोगों ने आप पर विश्वास करा। हम आपकी स्तुति आपकी बढ़ाई करते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो प्रभु, लेकिन अगर हम आपके प्रति विश्वास योग्य हैं प्रभु, तो आप हमारे जीवनों को अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए और अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु हमारे हृदय के अंदर प्रभु, और वो फलवंती तो फल लगे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस दिस इवनिंग एंड वी प्रे गॉड यूज अस माइटली लॉर्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ योर किंगडम। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, कुछ सूचनाएं जिनको याद रखेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा कि हमारी बाइबल स्टडी होती रहेगी, समय है शाम को 7:30 बजे, और कल भी ये होगी। और संडे को हमने महीने में 2 संडे ठहराया है, द्वितीय और चौथा रविवार, जब हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं और हमारा विषय है दानियल की पुस्तक। डियर फ्रेंड्स, वी आर डूइंग अ बाइबल स्टडी एंड द बुक इज द बुक ऑफ दानियल। So kindly remember that is on every second and fourth Sunday। इसके साथ ही साथ हम याद रखेंगे हमारे बच्चों के लिए संडे स्कूल का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जो संडे स्कूल का होगा रविवार को होगा, और उसका समय होगा शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच। इसकी सूचना आपको दी जाएगी जब डॉक्टर बीटा जॉर्ज इसके बारे में हमें बता दें। मैं चाहूँगा कि हमारे जवान बच्चे जो अपनी मीटिंग्स करते हैं MYF के जूम के द्वारा, उसमें भाग लेने के लिए आप जवानों तो मैं निवेदन है कि आप भाई उत्कर्ष से संपर्क करें ताकि उसमें आप भाग ले सकें। इस यंग एडल्ट फेलोशिप की आराधना होती है, बाइबल स्टडी होती है, हम चाहते हैं कि उसको ध्यान रखिएगा और भाई ड्यूस विल्सन से आप मिल लीजिएगा या फ़ोन करिएगा ताकि उसमें आप शामिल हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं नियमित रूप से हमारे प्रेयर चेन के लिए जो चल रही है, रात को 10 से 11 बजे हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करें। प्रार्थना करें हमारे कलीसिया अगुओं के लिए, हमारा बिशप बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे DSS के लिए, हमारे पासबानों के लिए, हमारे लेटी के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारी WCS की बहनों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए। प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। हम प्रार्थना करें दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों के लिए, खास करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवर सुजीत दास और हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजर रेवरेंड वीरेंद्र कुमार के लिए। प्रभु अनुग्रह दे ताकि हम प्रभु बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सकें। मित्रों, मैं चाहूँगा कि हम प्रार्थना निरंतर करें अपने देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, MPs, MLAs और उन सब के लिए हम प्रार्थना करें जिनको प्रभु ने अधिकार दिया है, ताकि वो ईमानदारी से इस देश में सेवा करें और इस भयंकर महामारी के दौरान प्रभु उनकी रक्षा करें, ताकि जो कुछ वो इंतजाम करते हैं, प्रबंध करते हैं, उससे देश का कल्याण। साथ ही साथ मैं एक बार और कहना चाहूँगा मित्रों, इन दिनों ऑफिस जो चर्च का खुल रहा है, समय है 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। अगर आप चर्च फंड देना चाहते हैं तो मेहरबानी से आइए और अपने चर्च फंड जमा करिए, डोनेशन जमा करिए, संडे ऑफरिंग जमा करिए और तुरंत अवर स्थिति लें। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, चर्च के पैसे का इंतजाम बड़े धन्यवाद के साथ हम करते हैं और उसका इस्तेमाल भी बड़े बारीकी से होता है, क्योंकि ये प्रभु का पैसा है और हम इस बात को याद रखते हैं। इसलिए हम चर्च के लिए प्रार्थना करें और चर्च के बढ़ोतरी के लिए हम अपना सहयोग दें, क्योंकि एक एक बात जो हम करते हैं चर्च के लिए, चाहे वो धन के बारे में हो, चाहे टैलेंट्स के बारे में हो या गुणों के बारे में हो, जहाँ प्रभु की सेवा चर्च के द्वारा करते हैं, तो हम दिल से करें, मन से करें, प्रभु उससे आशीष देगा। और आखिरी बात, अगर आप चाहते कि आप गीत गाएं, डुएट, सोलो या ग्रुप सॉन्ग, ताकि उनको हम इस बाइबल स्टडी में सम्मिलित करें, संडे वर्शिप में सम्मिलित करें, तो मेहरबानी से आप ऐसा करें और 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके मिस्टर प्रकाश तिग्गा को दे दें, ताकि जो ये हमारे लिंक के प्रोग्राम उसमें उनको हम इस्तेमाल कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज शाम को प्रभु आपने हमारी मदद करी
कि हमने वचन का अध्ययन करा प्रभु, हम चाहते हैं कि हमने जो कुछ सीखा प्रभु उसमें बढ़ते चले जाएं। कलीसिया के तमाम सदस्यों पर आपकी आशीष हो, हमारे देश पर आपकी आशीष प्रभु, कलीसिया के अगुआ पर आशीष हो प्रभु, जो भी हमारी कठिनाइयाँ दूर करें और अपना अनुग्रह अपनी शांति में प्रदान करें। एपोस्टल मेथडिस्ट चर्च के तमाम परिवारों को, भाई बहनों को धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, आज जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत शिराकत में सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, यूज यू एंड गाइड यू, मे हिज विंग्स बी ओवर यू ऑल द टाइम, विंग्स ऑफ प्रोटेक्शन, विंग्स ऑफ योर स्ट्रेंथ, विंग्स ऑफ हिज ग्लोरी एंड मैजेस्टी be upon you all the time. May the Lord take care of you, supply all your needs. प्रभु आपकी सहायता करें, आपकी जरूरतों को पूरा करें। शांति से रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु की महिमा करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप आशीर्वाद आपकी सहायता करें। सबको शुभ रात्रि, सबको जय मसीह की।